हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी लैपटॉप के बायोस को अपडेट करना चाहते हैं पर हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर हम अपने लैपटॉप के बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का लैपटॉप हो, चाहे वो डेल कंपनी का हो, HP का हो, ASUS का हो या फिर लेनोवो का हो, हमें एग्जैक्ट मेथड नहीं पता होता कि हम अपने लैपटॉप के बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में ये जो ऐसे HP का लैपटॉप है इसके बायोस के अपडेट करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कोई भी लैपटॉप हो, मतलब इसकी जगह पर कोई भी और भी कंपनी का लैपटॉप हो, आप उसके बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने लैपटॉप के बायोस अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जरूरी होती है वो ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए, या फिर जब भी चार्जिंग भी हो 90% से ऊपर तो आपका जो पावर अडेप्टर जरूर लगा होना चाहिए ताकि आपकी बैटरी जो साथ साथ में चार्ज होती रहे। अगर मान लीजिए बायोस अपडेट के दौरान अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया और तो उसमें खराबी आ सकती है, तो वो ऑन भी नहीं होगा। तो इसी करके बायोस अपडेट करते वक्त आपको सबसे पहले चीज़ ये सावधानी रखनी है। उससे बाद दोस्तों आपको क्या पता होना जरूरी है कि उससे बाद जो भी आपकी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे मान लीजिए HP का है, तो जैसे HP का ये लैपटॉप है तो उसका मॉडल नंबर आपको पता होना जरूरी है। ऐसे मान लीजिए डेल का हुआ इसकी जगह पर, या फिर मान लीजिए कोई और कंपनी का भी हुआ, या फिर लेनोवो का भी हुआ, या फिर मान लीजिए ASUS कंपनी का हुआ, तो उसका आपको मॉडल नंबर पता होना जरूरी है। मॉडल नंबर पता लगाने का तरीका कई होते हैं दोस्तों, जैसे आप स्पेसी या फिर मान लीजिए CPUZ में दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो लैपटॉप है, अगर इसमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वहां पे शो हो जाएगा इसका मॉडल नंबर कौन सा है। दोस्तों, ये वो तरीके होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, मतलब सिस्टम इन्फॉर्मेशन या फिर CPUZ या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के नीचे देखिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस लैपटॉप के नीचे इसका मॉडल नंबर दिया होगा। हर किसी लैपटॉप का, कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, उसके नीचे उसका मॉडल नंबर दिया होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। इसी करके मैंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी दे सकते हैं अगर यहाँ से आपका मिट चुका है, पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि इसका जो मॉडल नंबर है वो है 15AY542TU, जो HP का ये मॉडल नंबर है। दोस्तों, जैसे हमें मॉडल नंबर पता चल चुका है, उससे बाद हमें क्या करना होता है कि हमें, जैसे कि ये HP का लैपटॉप है तो HP के सपोर्ट सेंटर पे जाना है। जैसे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, अब हम कंप्यूटर पे चलते हैं और तो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इसका मॉडल नंबर पता लग चुका है, अब हमें क्या करना है कि HP की साइट पर जाना है, मतलब HP सपोर्ट, या मान लीजिए आपका कोई सी और कंपनी का भी लैपटॉप है, जैसे डेल का है तो डेल सपोर्ट पे जाइए, या फिर लेनोवो का लेनोवो सपोर्ट पे जाइए। जैसे मेरा जो लैपटॉप है HP सपोर्ट का है, तो जैसे मैं HP सपोर्ट की साइट पर जा रहा हूँ, तो जैसे दोस्तों ये मेरी यहाँ पे साइट खुल चुकी है HP सपोर्ट, यहाँ पे आप सपोर्ट देख रहे हैं, तो मैं सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये सपोर्ट खुल चुका है, मतलब HP साइट का, तो उससे बाद हमें दोस्तों करना क्या है, हमारा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नेम से हमारा वहाँ पे सर्च करना है। आप सीरियल नंबर से भी ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्विस जो नंबर दिया था उससे उसका आपका पता चल जाएगा कि उसकी डिटेल क्या है। तो जैसे मैं मॉडल नंबर से करूँगा, पर मैं आपको रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप मॉडल नंबर से सर्च मारिए। जैसे जो मेरा लैपटॉप था वो था 15AY542TU। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे आ गया HP नोटबुक 15AY542TU। अब मेरे को इस पर सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। उससे बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर दिए हुए हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनुअल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर ड्राइवर एंड फर्मवेयर पे क्लिक करना है। आप कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए कि वहाँ पे आपको डेल सपोर्ट पे जाना है, ऐसे ही लैपटॉप नंबर सर्च मारना है, कोई सा भी हो, चाहे लेनोवो का हो या फिर ASUS कंपनी का हो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनके जब ड्राइवर्स में जाएंगे आप, कोई भी कंपनी का हो उसमें भी ऐसे ही दिया होगा सेम, ड्राइवर्स में आना। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइवर्स में बायोस में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायोस, और उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है कि आपको जब भी बायोस अपडेट करने हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 जनवरी 2020 का मतलब लेटेस्ट वर्जन है, उससे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको अपने सिस्टम में भी देखना होता है कि आपका जो बायोस वर्जन है मतलब फिलहाल कौन सा इंस्टॉल है। ये ना हो कि पहले से इंस्टॉल हो फ्रेश बायोस और हम फिर दोबारा उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो हम भी ये देख लेते हैं कि हमारे जो लैपटॉप में कौन से बायोस वर्जन है। तो वैसे तो मेरे पुराने ही हैं, पर आपको भी देख लेना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, आप जैसे मैंने बताया था कि आप बायोस वर्जन अपने CPUZ या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, या फिर जैसे सिस्टम इन्फॉर्मेशन होता है हमारा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पे आके आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे,
तो उसमें भी आप जो है बायोस वर्जन दे सकते हैं आपने कि आपके बायोस वर्जन कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे ये बायोस वर्जन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है F21 और ये जो है 2016 का बायोस वर्जन है। मतलब अब जो दो हमने नेट पे जैसे देखे थे वहाँ पे F48 चल रहा है और वो जो है 10 जनवरी 2020 का है। तो अब हम अपने पीसी पर फिर दोबारा चलते हैं और फिर आगे देखते हैं हमें क्या चीज़ करनी है। उससे बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बायोस वर्जन उसमें दिखा दिए हैं कि हमारे काफ़ी पुराने हैं 2016 के हैं, तो उससे बाद हमें क्या करना है कि ये जैसे बायोस दिए हुए हैं वो डाउनलोड कर लें जो भी लेटेस्ट होंगे। तो जैसे मेरे उसमें काफ़ी पुराने थे, जैसे उसके अंदर जो हमारे F21 है और वो 27/10/2016 के हैं और इसमें 2020 के हैं, तो हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन ऐसे देगा और यहाँ पे दिया है कि इनका जो असिस्टेंट डाउनलोड कीजिए, पर मैं अपने जो डाउनलोड मैनेजर से करूँगा डाउनलोड। तो उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे पॉपअप आ चुका है और मैं ये जो अपना बायोस है डाउनलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें अपना वो ओपन करना है बायोस। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा रहा है HP नोटबुक सिस्टम बायोस अपडेट। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये एग्रीमेंट जो है इनका लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन होगा। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद ये खुलेगा फिर दोबारा। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है HP सिस्टम बायोस अपडेट यूटिलिटी। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलती है। जैसे यहाँ पे दिया अपडेट द बायोस ऑन दिस डिवाइस, मतलब ये है कि अगर आपको जो बायोस इसी सिस्टम में अपडेट करनी है, वैसे मैंने PC में डाउनलोड किए थे पर मैंने वो पेन ड्राइव में इसमें डाल लिया है, तो उसमें क्या है कि आपको सीधा अपडेट पे करना है, वो नेक्स्ट कर देना है, ये उसके बाद अपने फ्लैश कर देगा। और अगर मान लीजिए कि आपको किसी और के अंदर, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई और HP का अदर डिवाइस है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन HP बायोस रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव टू रिकवर अनदर HP डिवाइस। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका HP का ही लैपटॉप है, जैसे ये भी HP का है, पर मान लीजिए कोई और HP का वो बायोस है, क्योंकि आप इसके इसमें तो नहीं मार सकते ना वो बायोस किसी और के, तो वो क्या है कि आप उसमें USB लगाकर उसमें आप अपनी जो एक इमेज बना सकते हैं जिसमें आपको किसी और HP के लैपटॉप में जिसमें आपको बायोस अपडेट करना है उसमें लगा के आप अपने बायोस अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही है कि जैसे कॉपी है, मतलब इसमें आप अपनी हार्ड ड्राइव या कोई USB ड्राइव में भी मतलब इसकी जो है मतलब बायोस इमेज आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर आपको इसी लैपटॉप में जैसे अपडेट करना है तो आप अपडेट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं और ये बायोस अपने फ्लैश कर देगा। और जैसे मैंने बताया कि आपकी बैटरी भी सही होनी चाहिए, मतलब 100% जैसे आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको किसी और में करना है, फिर मैं रिकमेंडेशन ये करूँगा कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जैसे ये है क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव। और अगर मान लीजिए आपको सिंपली उसी लैपटॉप में अपडेट करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये कीजिए अपडेट और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ चुका है कि प्लीज़ मेक श्योर योर PC इज़ रनिंग ऑन AC पावर, या फिर मान लीजिए कि आपका जैसे लैपटॉप है या फिर मान लीजिए कोई PC है उसमें मतलब AC अडेप्टर लगा होना जरूरी है ताकि आपकी बैटरी 100% रहे। और याद रखिए कि वो या फिर UPS पे रहना चाहिए या फिर इन्वर्टर पे आपका कनेक्शन होना चाहिए ताकि लाइट भी जाए तो वो PC बंद ना हो, नहीं तो आपके बायोस सिस्टम अपडेट नहीं होंगे तो आपके PC भी चलने में काफ़ी दिक्कत होगी, फिर उसे रिपेयर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो जैसे हम नेक्स्ट करते हैं क्योंकि मुझे इसी में अपडेट करनी है, अगर मुझे किसी और में करना होता तो फिर मैं वो सिस्टम अपना था कि USB ड्राइव वाला, तो उससे बाद मुझे सीधा नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि ये जो बायोस अपडेट है मतलब लिगेसी फ्लैश मेथड से, जो मतलब जैसे ये ओन है PC इसमें नहीं अपडेट हो सकते, तो मुझे एक रिकवरी फ्लैश ड्राइव में ही करना पड़ेगा ये, और फिर उससे बाद हमें दोबारा हमें उसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं फिर वो जो पेन ड्राइव वाला मेथड है वही अपनाता हूँ। जैसे हम फिर दोबारा एक बार फिर वो सिस्टम करते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अपडेट उसी मेथड से हो जाता है सीधा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट कीजिए और सीधा वो मेथड करके ही हो जाता है, पर इस सिस्टम में ये नहीं हुआ, तो हमें अपनी USB एक फ्लैश ड्राइव बनानी पड़ेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों जैसे वो सेम स्टेप नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें फिर अपडेट की जगह मतलब जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना अपडेट दी बायोस ऑन दिस डिवाइस, पर ये सिस्टम हमारे काम नहीं किया, फिर हमें क्या करना है क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव, हम ये सिस्टम करते हैं। तो नेक्स्ट, एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो पेन ड्राइव लगी होनी चाहिए आपकी USB पोर्ट में,
तभी आपकी ये जो रिकवरी मतलब बायोस रिकवरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनेगी। तो उससे बाद दोस्तों जैसे हमारी ये फ्लैश ड्राइव आ चुकी है, आप देख रहे हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं कहूँगा कि आप उसे मैन्युअली फॉर्मेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ और चीज़ पड़ी होंगी जिसकी वजह से फिर आपका बायोस अपडेट प्रॉपर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसे मैन्युअली फॉर्मेट मार देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर दोबारा आपको रिफ्रेश करना है, ध्यान रखिए। तो ये दोस्तों जैसे हमारी आ चुकी है, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है और फिर उससे बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये कॉपिंग फाइल उसके अंदर यूएसबी डिवाइस के अंदर करेगा। कहीं में दोस्तों वैसे ही रहता है सीधा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपडेट पे ऑप्शन क्लिक कीजिए और सीधा ही आपके जो बायोस अपडेट हो जाएंगे, पर इस सिस्टम में वो काम नहीं किया। पहले आप वो करके देख सकते हैं, अगर वो सिस्टम काम नहीं किया उस तरीके से, तो आप फिर यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव वाला सिस्टम अपना सकते हैं। तो उसके बाद फिनिश, तो उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा चुका है द बायोस अपडेट वाज प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रिस्टार्ट दिस डिवाइस टू कम्प्लीट दी अपडेट। तो दोस्तों जैसे हमें अब अपना सिस्टम जो है रिस्टार्ट करना है, ताकि हमारा जो है कम्प्लीट सेटअप हो चुके और अपडेट हो सके। तो अब हमें रिस्टार्ट नाउ करना है, हमने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आ चुका है कि आपको अपने बायोस अपडेट करने हैं कि नहीं, मतलब आपकी पेन ड्राइव में बायोस अवेलेबल है। तो उससे बाद यहाँ पे अप्लाई अपडेट नाउ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो बायोस अपडेट होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आज जैसे मैंने बताया कि आपको शट डाउन नहीं करना अपना लैपटॉप, और आपको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है वो भी नहीं हटानी, या फिर मान लीजिए आपके लैपटॉप की बैटरी है जो 100% होनी चाहिए जब आप ये कर रहे होते हैं, अदरवाइज बीच में रह जाएगा तो वो आपका सिस्टम ख़राब होने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे करना है। दोस्तों इसमें कई बार आपकी स्क्रीन ब्लिंक हो सकती है, कभी कुछ आ सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कभी आप सोचे कि आपका लैपटॉप खराब हो गया। तो दोस्तों जैसे हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं और जो हमारी विंडो फिर दोबारा चल चुकी है, आप देख सकते हैं, और अब हम देखते हैं जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं बायोस अपडेट की। तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है बायोस अपडेट की, पर अगर हमें पता लगाना हो, तो मैंने जैसा बताया था CPUZ या स्पेसी सॉफ्टवेयर से आप पता लगा सकते हैं कि आपका बायोस वर्जन कौन सा है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि 2016 का है, आप देखते हैं हम फिर दोबारा सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के, तो हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, वहाँ पे आ जाएगा कि हमारे बायोस अपडेट हो गए हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारे बायोस अपडेट हो चुके हैं, यहाँ पे F48 है और यहाँ पे लिखा 17/12/2019 के बायोस, पहले इसमें 2016 के थे, यहाँ पे F21 पता नहीं F21 या शायद कोई और था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा जो बायोस अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप जो है किसी भी लैपटॉप के बायोस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉलेजफुल वे के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।